जितने भी आज के आयोजक है उन्होंने बहुत मेहनत की है आपको सबको संगठित करने के लिए, विशेष तौर पे बहनों को, और जितने भी मानुभव मंच पर उपस्थित है ये अपना समय निकाल के समाज को संगठित एकत्रित रखने के लिए अपना योगदान देने यहाँ पे आए। इसलिए हमारा भी फर्ज होता है, आपका फर्ज होता है कि सभी को शांति पूर्वक सुने, समाज के हित की जो बातें हैं यहाँ से अपने साथ लेके जाए। पासी हमारे समाज के लिए आदर्श हैं, हमारे वीर स्वरूप शिरोमणि राजा हैं, और उन्होंने अपने देश के लिए अपने समाज के लिए लड़ाइयाँ लड़ी और उनके पद चिन्हों पर पासी समाज चल रहा है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सर ये भी जानना चाहेंगे ये जो आपका संस्था है अखिल भारतीय पासी विकास मंडल, ये समाज के लिए किस प्रकार से योगदान दे रही है? हमारी अखिल भारतीय पासी विकास मंडल जो है कि बच्चों के शिक्षा के विषय में, बेरोजगारी के विषय में और अंधविश्वास के विषय में, और इसके लिए और जो कोरोना के टाइम पे जो आपदा आई देश में उसमें अनाज वितरण, आर्थिक मदद, इस तरह की सब चीज़ें कर रही है। जी सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस तरह का कार्यक्रम समाज को कितना मोटिवेट करता है? निश्चित ही है, इस तरह के कार्यक्रम जो है किसी भी समाज के जो उनके महापुरुष होते हैं तो उनको ले करके जो एक उनके समाज में प्रेरणा की भावना होती है, उनसे प्रेरित होते हैं कि हर जगह हमारे महापुरुष इतने ही थे तो हम भी उन्हीं के आज वंशज हैं, तो हम भी उनके पदरास्तों पे चल करके जरूर कुछ न कुछ नई चीज़ें कर सकते हैं। जी सर आपसे जानना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में आके आप और आपकी किस प्रकार से सहभागी करेंगे? हमारे वार्ड के सभी निवासी आज इस समाज के लोग हैं और हमारे सब वार्ड में हमारे समाज के सब लोग रहने के हिसाब से हमारे पास सब घरेलू संबंध है, सबसे हमको निमंत्रण देते हैं, हम कार्यक्रम में आते हैं। सर कितना कठिन होता है पूरे समाज को एक छत्र के नीचे लाना? समाज को लाना कठिन तो काज है ही है, क्योंकि सबको समझाना पड़ता है और समझा के लाने में दिक्कतें आती हैं, पैसे खर्च होते हैं, समय खर्च होता है, और समझाया जाता है कि अगर आप एक साथ जुड़ोगे तो आगे बढ़ोगे, अगर संगठित नहीं रहोगे तो आपको तरह तरह की यातनाएं दी जाएंगी, तो लोगों को ये समझ में आता है कि नहीं हमको जुड़ना चाहिए और समाज को आगे लेके जाना चाहिए। देखिए जैसा कि आप बैनर देख रहे होंगे, आज हमारे जो पूर्वज थे, अग्रज थे, महाराजा बिजली पासी जो बिजनौर क्षेत्र में एक बहुत ही प्रखर एंड बहुत ही तेजस्वी नेतृत्व में राजा रहे, तो उनकी जन्म शताब्दी हम लोग आज मनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और ये समाज ऐसे हमारे महापुरुष जो पूर्वज रहे हैं उनसे प्रेरणा लेकर के उनके पद चिन्हों पर और समाज को जो उस समय परिस्थिति थी उस परिस्थिति में समाज को ले जाने के लिए कैसे हम लोग संगठित होकर आगे प्रयास करें, उसके लिए आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा है। उसमें हमारे जो पूर्वज हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान होता है वो उपेक्षित होते हैं, हमें कुछ अलग ही तरह का इतिहास बनाया है, तो कितनी जरूरत है कि इस इतिहास को हमको पढ़ना चाहिए? देखिए चाहे वो प्राचीन भारत हो, मध्यकालीन भारत हो, या आज़ादी के पहले का भारत हो, या आज़ादी के बाद का भारत हो, हर वक्त जैसे जैसे सत्ता आती है उसकी विचारधारा से इतिहास पुरुष कम ज़्यादा आंके जाते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य रहा है कि हमारे जो इतिहास पुरुष हैं उन्हें इतिहास में और देश के सामने बहुत ज़्यादा अवसर नहीं मिला है, और इसलिए इस कमी को देखते हुए हमारे समाज ने तय किया है कि हमारे जितने भी ऐतिहासिक पुरुष हैं इन सभी लोगों की के बारे में देश जाने, और हमें इस बात पर बेहद गर्व है कि हमारा संगठन इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहा है और पूरे देश में इस पर कार्यक्रम हो रहा है। आप देख सकते हैं आज 25 दिसंबर के दिन महाराजा बिजली पासी जी की जयंती, उत्तर प्रदेश के पूरे 75 जिलों में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, बिहार में, जहाँ जहाँ हमारी प्रमुखताएं हैं हमारे संगठन ये काम कर रहे हैं, और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि सभी समाज के, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने हमें एक्नॉलेज किया, एकनाथ शिंदे जी हमारे कार्यक्रम में आए, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी जी हमारे कार्यक्रम में आए, आदरणीय मोदी जी आए, अमित शाह जी आए, ऐसे ही पूरे देश में हमारे कार्यों को विस्तार मिल रहा है। हम धीरे धीरे ही सही अपने इतिहास पुरुषों को
अपने पसीने से न्याय दे पाएंगे ऐसे लोग। सर आपके और आपके समाज के परिश्रम से काशी समाज की जो वीरांगना है उसके नाम पे एक रोड बनने जा रहा है, उस बारे में बताएंगे। हमें धन्यवाद करेंगे कमलेश यादव जी का, कांदीवली के कारपोरेटर हैं, वरिष्ठ नगर सेवक हैं, और उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले ही एक सड़क का निर्माण उदय देवी जी के नाम पे किया है। और यहाँ पर भी हमारे कारपोरेटर अशोक तिवारी जी पिछले 10 सालों से हमारी बिरादरी के लिए बहुत मदद करते हैं, और मुझे उम्मीद है उनकी पूरी टीम, रवि व्यास जी, गीता जैन जी, नरेंद्र मेहता जी, जितने भी हमारे कारपोरेटर और यहाँ के विधायक हैं, मिलकर पासी समाज को निश्चित तौर पे नई ऊंचाई देंगे, हमें पूरा यकीन है। आज के कार्यक्रम में कहाँ-कहाँ से लोग आए हैं? आज के कार्यक्रम में पूरी बम्बई से लोग आए ही हैं, कल्याण से लेके गतपुरी तक, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी बनारस से, प्रतापगढ़ से भी लोग आए हैं।